और डाइस में हमारे टीटी बचेती कमेटी के सदर सेक्रेटरी वगैरह सब भूमि में मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे कुलमाए दीन हमारे हाफिज कारी आलिम मुफ्ती साहिबान को और हमारे साथ साहब शाकिर साहब सुप्रो और इरफान साहब इस सुप्रो को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हज के खिदमत में आप लोग भी जो है हिस्सा ले रहे हैं। आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे एक दो साल के बाद हज को जा रहे हैं लोग और अल्लाह ताला जिसको मुंतखब करता है तो वही जाता है, चाहे हजार करोड़ भी रखते हो हज की कोशिश करें तो नहीं जा सकते हैं। पर अल्लाह ताला ही जो चुन के बंदों को अपने बुला लेते हैं वहाँ पर, तो अल्लाह की तरफ से इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, क्योंकि अल्लाह ताला जो है बहुत बड़ा करम है अपने मुल्क के जो अपने हज को मुंतखब के वहाँ पर जाकर जो है पैर हम लोग बल गए और बाबू सिखाने का तनखीब करने का ऐसा नहीं है। वो अक्सर लोग क्या कर रहे हैं हज को भी जा रहे हैं उमरे को भी जा रहे हैं, मगर आप भी करें तो जो है नीचे मुंडी डाल के पूरा सात चक्कर हम लोग को तो आप करना है, ऐसा देखना भी नहीं है काबिल, क्योंकि अल्लाह के सामने झुक के चलना है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश है मेरी, क्योंकि भैया एक से एक वाले उलमा बैठे हुए मुफ्ती साहब बैठे हुए वो भी बताएंगे आपको, और वहां पर शैतान भटकाता अपने एक दूसरे में नाए तबाही डाले झगड़ा था थोड़े दूर हज में दुश्वारियां होते, मैं भी 2000 में हज का नाम अल्लाह के तरफ से जब उतना रश था तो क्या है जरा ज्यादा रश है, मगर अब ये कोविड की वजह से जो है रश कम है वहां पर। तो मगर अपन जितना भी अगर फैगा में शैतान भटकाता करता है ऐसे वैसे झगड़े बचाना वो नहीं करना है, सबर करना है हज में जो है सबर करके सबर के हिसाब से जो है हज करना है। अपन बिल्कुल एकदम बिल्कुल माँ के पेट से पैदा होकर बच्चा कैसा रहता उस टाइम में, छोटे मासूम बच्चे कैसा रहते उस टाइम में अपने को हो जाना है हो जाके, ये नहीं कि अपना जोर बताना नहीं है मैं ऐसा घुसके चले आना नहीं है। तो जैसा कि अब अपन वॉशरूमों के लिए भी टॉयलेट्स के लिए भी लाइन रहती हो झगड़े वहां पर भी क्रिया पर ज्यादा शैतान हावी होता हो, ये सब चीजा नहीं करना है अपने, क्योंकि अपन थोड़ा सफर से हर चीज होती है अपन अल्लाह आपको जब बुलाया है तो कंप्लीट हज करके जाना है अपने और हज के अरकान पूरे करना है, कोई अरकान छोड़ना नहीं है। और वहां पर जितना आप गिड़गिड़ा के दुआ करेंगे तो आपके घर वालों के लिए भी और पूरे आलम के मुसलमानों, इससे पहले भी मैं 2001 से फोर तक के जो है अभी हज के चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे, जब इतना पूरे हमारे मेरे उसमें ही बैठे यहाँ पर पहली फ्लाइट जाने वाले पहली फ्लाइट सऊदी की हम चालू करने वाले भी अभी हैं अल्लाह के करम से हज हाउस से भी जो है भिजा लेते, पहला काम मेरे साथ अल्लाह के करम से ये अल्लाह मियां मेरे से काम लिया, मैं कोई एक बातुल काम नहीं करा एक फ्रिया हूँ मैं कौम के लिए, और अल्लाह का करम ये है कि आप लोग जो भी है अभी कंट्रोल रूम भी खोल रहे हैं अपन हज के सीजन में जाके आने तक 24 चालू रहेगा, 8-8 घंटे की ड्यूटी रहेगी हजियों की, कुछ भी है तो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए हाजियों के कुछ भी प्रॉब्लम है वहां पर कुछ भी है। और हमारे खादिम हजाज को भी हम ताकीद कर दिए कि जो है पजाते छोड़ के चले आना नहीं, उन लोगों को पूरा गाइड करना हाजियों के साथ रहना है, नहीं तो उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लेके बल्कि हम लोग कि बार बार उन लोगों को भी खुदा की मीटिंग करें फिर जाने से पहले भी और एक बार इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी उलमा ए मशाइख वगैरह बैठे हुए सो ये लोग आपको डिटेल में बताएंगे। और मेरी एक गुजारिश है कि वहां पर व्हाट्सएप फेसबुक अपनी फैमिली को वहां से वीडियो करके बता रहे अपन तवाफ कर रहे सोए कुछ नहीं, सो अल्लाह के नाम में निकले अपन अल्लाह के नाम में रहना है, फैमिली को बात करना है होटल में जाने के बाद फोन पे बात कर लीजिए, काबे में मदीने मुनव्वरा में ये सब चीजें नहीं करना है, सिर्फ इबादत अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करिए। सरकार के भी रोजे पे गए तो वहां पर भी सरकार मुझे एक अदब का मुकाम है वहां पर, वहां कुछ भी ऐसा वैसा वीडियो ले रहे अपन फोटो ले रहे ज्यादा कर रहे फोटो ले रहे नहीं, सीधा सीधा अपन जो है एक अदब का मुकाम है सरकार के रोजे में, जैसा अपन हरम में एंट्री लिए वहां से पूरा हुजूर से अपन अदब में आना रहेगा है वहां से। और अल्लाह का करम है आप लोग भी इतने अच्छे हमारे मशाइखिन बैठे थे उलमा बैठे थे इन लोग आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हम ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमारे उलमा बैठे वो लोग आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि फिर नमाज का भी टाइम होता है खुदा ये सब चीजा नहीं करना है अपने, क्योंकि अपन थोड़ा सफर से हर चीज
हर चीज होती है वहां पर। अल्लाह आपको जब बुलाया है तो कंप्लीट हज करके जाना है आपको, और हज के अरकान पूरे करना है, कोई अरकान छोड़ना नहीं है। और वहां पर जितना आप गिन मिला के दुआ करेंगे तो आपके घर वालों के लिए भी और पूरे आलम के मुसलमानों के लिए भी दुआ करिए, और अपने घर में जो भी परेशानी है उसके लिए अल्लाह ताला कबूल करना होगा। आप सच्चे दिल से दुआ करो, बराबर कबूल होती है अल्लाह के करम से। आप खाली नमाज पढ़े उठे निकल गए थे, हर नमाज में सुनत भी पढ़े तो दुआ करिएगा, भी एक मिनट दिल होता आप अल्लाह से मानो हर चीज। कबूलियत का टाइम रहता, कौन सा टाइम कबूलियत का है लेवल होता, और सिजदे में दुआ करिए आप। मेरी तो गुजारिश है सबसे, सिजदे में दुआ करिए, अल्लाह अल्लाह ताला को सिजदा बहुत पसंद है, तो आप लोग सिजदे में भी जाके दुआ करिए। जो जो दुआएं मांगेंगे इंशाल्लाह ताला कबूल भी करेंगे, और दुआ से जो है ना हर चीज आसान हो जाती है, रिक्स में उम्र में हर चीज में बरकत होती है अल्लाह के करम से। और अल्लाह का काम यह है कि हम लोग भी जो है गवर्नमेंट से जो फैसिलिटीज दे सकते हैं हाजियों को, हम लोग बराबर तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हम लोग कर रहे हैं काम, और होम मिनिस्टर साहब, हम पूरी टीम, हमारे एमआईएम से भी हमारा अलायंस है, वो लोग हम लोग सब मिलकर जो है अच्छे से अच्छा जो है हमारे हाजियों को तकलीफ देने वाला बोल के यही नहीं। अब मैं इंशाल्लाह ताला 5 या 6 तारीख को सेंट्रल हज कमेटी चेयरमैन से सीओ से सबसे मिल रहे, फिर मैं जो है ना 25 तारीख को उमरे को जा रहा हूँ। उमरे को जाके जो है ना उमरे के बाद में हम काउंसलर जनरल से भी बात करेंगे हमारे हाजियों को जो है ना सहूलत कैसी है क्या है, क्योंकि टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, क्योंकि पहुंचाने के बाद